चार्टर अकाउंटेंट क्या करते हैं, जो भी बना के दोगे दे देंगे, नहीं बनाओगे तो वो भी दे देंगे। 70 वर्षों में चार्टर अकाउंटेंट्स ने देश के औद्योगिक ग्रोथ में, देश के व्यापारिक ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जितना लोन चाहिए वैसी बैलेंस शीट। मैं स्वयं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। चार्टर अकाउंटेंट्स हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। इतनी जल्दी भूल का एहसास नहीं होता जितनी जल्दी भूल का एहसास उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हो गया। उन्होंने एक वीडियो जारी करके खेद प्रकट किया है, जिसमें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के सामने खेद प्रकट कर रहे हैं। हालांकि उनकी इस वीडियो के स्टेटमेंट को देख करके ऐसा लगता है कि वो खेद प्रकट करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर उन्हें लगा कि सीए समुदाय की भावनाएं आहत हो गई हैं, तो वो खेद प्रकट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स। कल हमने आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उस वीडियो का बयान भी दिखाया, जिसमें वो एक तरफ सीएमए समुदाय की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के लिए अलग तरीके की बातें कर रहे थे, जिसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी ने उनका पुरजोर विरोध किया। और उसके बाद जब उन्हें सोशल मीडिया पर यह समझ में आया कि उनका विरोध हो रहा है, तो उन्होंने 33 सेकंड की एक वीडियो क्लिप जारी की, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि उन्हें खेद है उन्होंने जो कहा। हालांकि साथ में ये भी जोड़ दिया कि उन्हें ज्ञात हुआ है सोशल मीडिया से कि सीए समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। एक बार हम आपको सुनवा देते हैं वो वीडियो भी, जिस वीडियो के माध्यम से वो खेद प्रकट कर रहे हैं। चार्टर अकाउंटेंट्स देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विगत 70 वर्षों में चार्टर अकाउंटेंट्स ने देश के औद्योगिक ग्रोथ में, देश के व्यापारिक ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं स्वयं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। चार्टर अकाउंटेंट्स हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। विगत दिनों काशी अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में कुछ संदर्भ में कुछ बातें कही गई थी। मुझे ये प्रकाश में लाया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मेरा अभिप्राय अपने चार्टर अकाउंटेंट साथियों को बिल्कुल भी आहत करना नहीं था। आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि वो यहाँ खेद प्रकट कर रहे हैं या वो ये बता रहे हैं कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला तो उन्हें लगा कि सीए मेंबर्स की भावनाएं आहत हुई हैं। और अगर आपको लगा है कि भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसके लिए क्षमा की वीडियो भी किस तरीके से आपको सर्कुलेट करनी है, ये भी आपको समझना चाहिए। खैर, द इंडियन पल्स आपके लिए ऐसे ही कुछ और मुद्दों को लेकर आपके बीच में आता रहेगा। आप हमारे साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए और हमारी वीडियोज़ को रेगुलर वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।